Hello everyone, this is Ankita Sinha. Welcome to my channel, Crime and Forensic. In this video, we are going to discuss about crime scene investigation. इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है. सो अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट डेफिनेशन ऑफ क्राइम सीन, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन्स, क्राइम सीन टीम, स्टेजेस ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट स्टेज दैट इज सिक्योरिंग द सीन, सेकेंड स्कैनिंग द सीन, थर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन. डॉक्यूमेंटेशन में हम तीन मेथड्स को यूज करते हैं, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, स्केचिंग एंड नोट मेकिंग. सो यहाँ से हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे. फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी. क्राइम सीन फोटोज शुड इंक्लूड द इमीडिएट सीन. मतलब जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो फर्स्टली विदाउट डिस्टर्बिंग द सीन ही और शी हैव टू फोटोग्राफ द सीन. द फोटोग्राफ्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम ऑल रिलेवेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स. क्राइम सीन की फोटोग्राफी हर एंगल से होनी चाहिए सो दैट हमें ये पता चल सके ड्यूरिंग द क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कि व्हाट वाज द एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड डिस्टेंसेस अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट्स. द क्लोजअप्स ऑफ विक्टिम्स रिलेटिव पोजिशन, विक्टिम के पोजिशन की, एंड एनी इंजरीज, अगर कोई इंजरी प्रेजेंट है ऑन द बॉडी ऑफ विक्टिम मस्ट बी फोटोग्राफ्ड ताकि उस बॉडी की एंड इंजरीज की डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन हो सके. फोटोग्राफ एनी पॉसिबल वेपन, अगर कोई भी वेपन प्रेजेंट है ऑन दैट क्राइम सीन तो उसकी भी फोटोग्राफी होनी चाहिए क्योंकि इट इज पॉसिबल कि उस वेपन को यूज करके ही क्राइम को कमिट किया गया हो. फोटो रिकॉर्ड ऑल एविडेंस एज इट इज फाउंड. जो एविडेंस जिस पोजिशन में है उसकी फोटोग्राफी उस पोजिशन में होनी चाहिए. एंड अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का या एक किसी भी पॉइंट को का रेफरेंस लेके उस फोटोग्राफी को होना चाहिए, शुड बी इंक्लूडेड इन द पिक्चर. यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड क्राइम सीन. क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करें एज डिजिटल फोटोज विच अलाउज नियर थ्री डायमेंशनल व्यूज ऑफ द सीन. जितनी अच्छी फोटोग्राफी होगी, जितना अच्छा थ्री डायमेंशनल फोटोज आएगा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, वो उतनी हेल्पफुल होगी. फोटोज ऑफ सीन एंड सराउंडिंग शुड बी टेकन. द मिड रेंज टू क्लोजअप रेंज फोटोज विद वेरियस एंगल्स. मिड रेंज से लेके क्लोजअप रेंज तक अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी होनी चाहिए ऑफ ईच पीस ऑफ एविडेंस, हर एक पीस ऑफ एविडेंस की. व्हाइल वीडियो रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन द इन्वेस्टिगेटर मस्ट नैरेट ही और शी इज रिकॉर्डिंग द सीन. जब भी वीडियोग्राफी स्टार्ट करनी है तो वहां पे अपना नाम लेके वीडियोग्राफी को स्टार्ट करना होता है. जैसे आई अपना नाम, देन आई एम रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन, देन वीडियोग्राफी के अंडर आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है उस क्राइम सीन के बारे में कि कहाँ पे घटना हुई है, क्या हुआ है क्राइम सीन के अंदर, ईच एंड एवरी एविडेंस के बारे में आपको डिटेल में बताना होता है, एंड अपने डाइवर्स परसेप्शंस को भी आपको इंक्लूड करना होता है इन दैट वीडियो. स्केचिंग द सीन. स्केचिंग इज 2D इलस्ट्रेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स. जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं तो किसी 3D ऑब्जेक्ट का स्केच बना रहे होते हैं और वो हमें 2D दिख रहा होता है इन दैट स्केच. इनिशियली अ रफ स्केच ऑफ द क्राइम सीन इज प्रिपेयर्ड. जब हम क्राइम सीन पे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आराम से बैठ के स्केचिंग की जा सके, तो रफ स्केचिंग की जाती है एट द क्राइम सीन ऑन ग्राफ पेपर बाय यूजिंग पेंसिल. अ फाइनल स्केच कैन बी मेड बाय यूजिंग इंक्स, पेपर्स, रूलर्स और अ कंप्यूटर. बाद में फाइनल स्केच को बनाया जाता है बाय यूजिंग इंक्स, पेपर्स, रूलर्स और अ कंप्यूटर. द स्केच शुड इंक्लूड डेट, टाइम, स्केल, रेफरेंस पॉइंट्स, डिस्टेंस, मेजरमेंट्स, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स एंड अ लीजन और एनी की. इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है इन दैट स्केच. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केचेस. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दो तरीके के स्केच होते हैं. फर्स्ट इज ओवरहेड और बर्ड्स आई व्यू स्केच. बर्ड्स आई व्यू स्केच मतलब जब कोई चिड़िया उड़ रही होती है आकाश में तो उसको नीचे का व्यू कैसा दिख रहा होता है, या फिर ड्रोन कैमरा से फोटो कैसे आते हैं. एज इफ वन इज लुकिंग स्ट्रेट डाउन, जैसे कोई बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ देख रहा हो. एंड सेकेंड इज एलिवेशन स्केच और साइड व्यू स्केच, जैसे कोई सामने देख रहा हो. हियर वी कैन सी, दिस इज बर्ड आई व्यू स्केच.
दिस इज बर्ड आई व्यू स्केच, जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो या ड्रोन कैमरा से फोटोज कुछ ऐसे आते हैं, एंड दिस इज साइड व्यू स्केच, जैसे सामने से हम किसी चीज को देख रहे हो. लास्ट मेथड ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन इज नोट मेकिंग. नोट मेकिंग इज अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम सीन विद लोकेशन ऑफ पोटेंशियल एविडेंसेस, डेट टाइम एक्सप्लेनेशन ऑफ द लोकेशन, वेदर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम, लोकेशन ऑफ एविडेंस रिलेटिव टू अदर की पॉइंट्स एंड द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन्स इन्वॉल्व्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन. जितने भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्राइम सीन वो सारे इंक्लूडेड होते हैं इन नोट मेकिंग इन रिटन फॉर्म, ताकि टाइम के साथ साथ मेमोरी लॉस ना हो और लोग ये चीजें भूले नहीं. जो भी क्राइम सीन में इंक्लूडेड पर्सन हैं वो टाइम के साथ इन चीजों को भूले नहीं. मेमोराइज करने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. सर्चिंग फॉर एविडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से. सो देयर आर वेरियस सर्च पैटर्न्स टू लुक फॉर एविडेंसेस. एविडेंस की सर्चिंग के लिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं एंड दीज पैटर्न्स डिपेंड ऑन डायमेंशंस एंड लोकेशन ऑफ द सीन एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ गैदरर्स कंट्रीब्यूटिंग इन द सर्च, जितने नंबर ऑफ सर्चर्स हैं. सो फर्स्ट मैथड इज जोन मैथड, बेस्ट यूज इन सीन्स विद डिफाइंड जोन्स और एरियाज. सीन को डिफरेंट जोन्स एंड एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है. इफेक्टिव इन हाउसेज, बिल्डिंग्स विद रूम्स, टीम्स आर असाइंड स्मॉल जोन्स फॉर सर्चिंग. डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट जोन्स असाइन कर दिया जाता है फॉर सर्चिंग. यहाँ पे नंबर ऑफ जोन, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्राइम सीन पर डिपेंड होते हैं. क्राइम सीन की साइज जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ जोन्स उतने ज्यादा होंगे. एंड दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ आउटडोर एंड इनडोर क्राइम सीन्स. नाउ नेक्स्ट इज लाइन और स्ट्रिप मेथड, वर्क्स बेस्ट ऑन लार्ज आउटडोर सीन्स. बड़े और आउटडोर सीन्स के लिए ये मेथड काफी यूजफुल है एंड रिक्वायर्स अ सर्च कोऑर्डिनेटर. सर्चर्स आर यूजुअली वॉलंटियर्स रिक्वायरिंग प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शंस. इसमें एक स्क्वायर शेप्ड एरिया को पैरेलल स्ट्रिप्स या लेन्स में डिवाइड किया जाता है विद वन सर्चर पर लेन. एंड जो सर्चर होते हैं वो फ्रॉम वन एंड टू नेक्स्ट एंड स्लोली वॉक करके जाते हैं थ्रू द मिडल ऑफ द लेन एंड विजुअली पूरे विड्थ ऑफ लेन में सर्चिंग को कंडक्ट करते हैं. As we can see in this picture, this is for line or strip method. Next is grid method. Grid method is similar to line or strip method. Modified double line search. This is modified double line search. यहाँ पे एक lane बन रहे हैं and इसमें एक lane बन रहे हैं in line or search method and इसमें double lane बन रहे हैं, double line search. Effective method but this is time consuming. क्राइम सीन को यहाँ पे डिफरेंट स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं. फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड सर्चिंग को कंडक्ट किया जाता है. दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ द सर्चिंग पॉइंट. व्हील और रे मेथड, दिस इज यूज्ड फॉर स्पेशल सिचुएशंस, हैज लिमिटेड एप्लीकेशन एंड बेस्ट यूज्ड इन स्मॉल एंड सर्कुलर क्राइम सीन्स. इसमें सर्चर एक सेंटर या फोकल पॉइंट से स्ट्रेट जाकर सर्चिंग को कंडक्ट करते हैं इन अ सर्कुलर मैनर. स्पाइरल मेथड, इसमें इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्पाइरल मैनर में सर्चिंग को कंडक्ट किया जाता है. एक स्पेसिफिक पॉइंट से सर्चिंग को स्टार्ट करके स्पाइरल मैनर में इनवर्ड या आउटवर्ड ऑफ क्राइम सीन सर्चिंग को कंडक्ट किया जाता है विदाउट एनी फिजिकल बैरियर. सिक्योरिंग, कलेक्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ एविडेंस, इस पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी फॉर डिफरेंट एविडेंस कौन कौन सी पैकेजिंग टेक्निक्स एंड कलेक्टिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है. बट हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो एवरी आर्टिकल शुड बी प्लेस्ड इन आइसोलेटेड कंटेनर सील्ड एंड लेबल्ड. सारे आर्टिकल्स या सारे एविडेंसेस को अलग अलग आइसोलेटेड कंटेनर में पैक किया जाता है सो दैट कॉन्टामिनेशन ना हो, टेम्परेचर से बचे रहें एंड कोई डैमेज कॉज ना हो. द मोस्ट डेलिकेट एविडेंस इज गैदर्ड एंड पैक्ड फर्स्ट. ऐसे एविडेंस जो जल्दी खराब हो सकते हैं उनकी पैकेजिंग सबसे पहले की जाती है. द एविडेंस रिकॉर्ड मस्ट कंप्राइज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग केस नंबर. सारे एविडेंस के रिकॉर्ड में केस नंबर मेंशन होना चाहिए. इन आइटम इन्वेंट्री नंबर, किसने खोजा है, उस किसने इन्वेंशन किया है उस एविडेंस का. डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस,
नेम ऑफ सस्पेक्ट एंड नेम ऑफ विक्टिम, डेट एंड टाइम ऑफ रिकवरी, सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिकवरिंग द एविडेंस एंड सिग्नेचर ऑफ एनी विटनेसेस प्रेजेंट. अगर कोई विटनेस प्रेजेंट है एट द क्राइम सीन ड्यूरिंग द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन तो उसकी भी सिग्नेचर ली जाएगी. देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. फर्स्ट इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग के थ्रू हम उन एविडेंसेस का कलेक्शन करते हैं जो इजिली हम हाथ में ले सकते हैं, जैसे बुक, क्लोथ, पेपर एटसेट्रा. नेक्स्ट इज टेप लिफ्टिंग. टेप लिफ्टिंग में हम किसी एडिसिव टेप की हेल्प से फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करते हैं. स्क्रैपिंग, नेल की स्क्रैपिंग ली जाती है, नेल्स की. स्वैबिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड या बॉडी फ्लूड की का कलेक्शन स्वैबिंग की के थ्रू होता है. स्वीपिंग, जहाँ पूल ऑफ ब्लड हो, बहुत सारे ब्लड हो अगर फर्श पे फैले हुए तो वहाँ पे स्वीपिंग की हेल्प से कलेक्शन को किया जाता है. एंड वैक्यूमिंग, हेयर एंड फाइबर जैसे माइन्यूट एविडेंसेस की कलेक्शन वैक्यूमिंग के थ्रू की जाती है. चेन ऑफ कस्टडी. चेन ऑफ कस्टडी इज बेसिकली द क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन और पेपर ट्रायल दैट रिकॉर्ड्स द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी. सो एविडेंस के ट्रांसपोर्टेशन को रिकॉर्ड करना इज चेन ऑफ कस्टडी. चेन ऑफ कस्टडी मीन्स डॉक्यूमेंटेशन एंड अनब्रोकन ट्रांसफर ऑफ द एविडेंस. द एविडेंस कंटेनर मस्ट बी मार्क्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. ट्रांसफर ऑफ एविडेंस टू अनदर पर्सन मस्ट बी रिकॉर्डेड. वो एविडेंस किस किस इंसान के पास गया मस्ट बी रिकॉर्डेड. द एविडेंस लॉग एंड द चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड टू every evidence container. Record to show collector's initials, locations of evidence and date of collection. Seal the evidence and collector's signature is written across the seal edge. When the package is reopened at the lab, it should be opened at the location other than the sealed edge. Crime scene reconstruction. So crime scene reconstruct karna matlab crime scene ko wapas se banana. Obviously this will be a dummy crime scene and this will support a likely sequence of the events at the crime scene by observing and evaluating the physical evidence ki help se and the statements made by the people who were involved. So jo log bhi involved the and jo physical evidence ke evaluation ke baad jo observations aaye hain un pe based crime scene ko wapas se reconstruct kiya jata hai. And reconstruction of crime scene involves forming a hypothesis. यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि किस तरीके से और किस सिचुएशन में क्या सिनेरियो रहा होगा ऑन दैट क्राइम सीन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम बिफोर द क्राइम वाज कमिटेड थ्रू इट्स कमीशन. इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल.